हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोरजी, झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हमने किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या किया था, पढ़ लिया था, ठीक है ना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर केवल एक पॉइंट रह गया था, और वो है साहब हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है ना, हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी कुछ ग्लैंड्स क्या रोल प्ले करती हैं, और उन ग्लैंड्स के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो सीक्रेट होकर हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज को किस तरह से इफेक्टिव करते हैं या प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सुनो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे अंदर, हम बात करें, देखो हमारा ब्रेन होता है, और हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या हुआ साहब, अपने क्या है, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क के बाद क्या था साहब, और डायनसेफेलॉन का जो फर्श होता है, हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह देते हैं, या सुप्रीम कमांडर ग्लैंड कहते हैं, ये तुम्हें पता है। अब इस सुप्रीम ग्लैंड कमांडर यानी हाइपोथैलेमस, और इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होते रिलीजिंग हार्मोन और एक होते इनहिबिटरी हार्मोन, समझ गए। हमारी बॉडी की देखो एक मास्टर ग्लैंड कौन सी है, ये तो, ये तो हो गया प्रिंसिपल ग्लैंड, और तुम्हें पता है प्रिंसिपल को जब कोई काम कराना होता है तो वो किसको आदेश देता है, मास्टर को, ठीक है ना, टीचर को बोलेगा, और टीचर को काम कराना है स्टूडेंट से, तो हमारी सबसे पहले प्रिंसिपल ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस, हमारी टीचर या मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी, और स्टूडेंट ग्लैंड जो अदर ग्लैंड हैं जिनके लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आगे आदेश देती है और वो अपना काम करती हैं। तो देखो हाइपोथैलेमस, अब रिलीजिंग हार्मोन, क्या जब हाइपोथैलेमस को कोई काम करवाना है तब तो वो क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करेगा, और जब इसको कोई काम बंद करना है या रुकवाना है तो ये क्या होता है, इनहिबिटरी या संदमक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, सुनिए, हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके द्वारा क्या स्रावित होता है साहब, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सीधा किसके पास पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये रही देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन स्रावित या प्राप्त होता है, ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करता है, क्या, ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करता है, और तुम्हें पता है क्या, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स को हम दो भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यानी गोनेडोट्रॉपिक, देखो एक चीज याद रखना, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन कौन कौन से हैं, 12th RBSC बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है ना, कि गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो याद रखोगे गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन में कौन कौन से, एक तो LH की फुल फॉर्म होती है क्या, ल्यूटिनाइजिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH की क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना,
पता है इसको हम क्या बोल देते हैं, एक नॉर्मल नाम बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, गैमेटो काइनेटिक फैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, गैमेटो काइनेटिक फैक्टर और एक गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर। ये बात तुम्हें जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझोगे कैसे। देखो एक चीज़ याद रखना, युग्मक निर्माण को संपन्न करने वाला, प्रेरित करने वाला कारक कौन कहलाता है, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसको हम क्या भी बोल देते हैं, गैमेटोकाइनेटिक, क्योंकि ये गैमेट के निर्माण को क्या करता है, सब प्रेरित करता है। इधर तुम बात करो LH को हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर, या इसको हम क्या बोल देते हैं, युग्मक मुक्त करने वाला कारक, ठीक है। तो ये क्या करेगा LH, देखो अपन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि FSH के थ्रू ओव्यूम का निर्माण हुआ, लेकिन जब LH की सांद्रता अधिक होती है तो उस टाइम पर वो अंडा बना ना, उसको अंडाशय द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। वही सिस्टम है, जब यहाँ LH जुड़ेगा तो लीडिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स सक्रिय होंगी, उनसे टेस्टोस्टेरोन, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो मेल होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है या मैच्योर होने लगता है, और सेक्सुअली मैच्योर होने पर इसका मतलब वो क्या कर रहा है, स्पर्म रिलीज कर सकता है, और स्पर्म रिलीज कर सकता है इसका मतलब वो संतति पैदा कर सकता है। समझ गए होंगे, अब सुनिए यहां आ जाओ, वापस आते हैं कि सब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन LH स्रावित किया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा और FSH, और मेनली ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्रंथि का भी कौन सा, एंटेरियर। तुम्हें पता है दो भाग होते हैं, एक एंटेरियर अग्रभाग और एक पोस्टेरियर पश्चभाग, ठीक है। तो ये LH FSH स्रावित हो रहे हैं किसके माध्यम से हो रहे हैं, सब एंटेरियर पोर्शन, ठीक। अब आ जाओ, चलो मैं लिख ही देता हूं एंटेरियर पोर्शन से क्या होता है। अब अगली बात कर लेते हैं, ये LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है लीडिंग, बेटा याद रखना सर्टोली के उसका लीडिंग सेल, ये सब हम ऑलरेडी किसमें, सर्टोली सेल में अलग से टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ाया है। लीडिंग सेल्स, जब मैं सर्टोली सेल्स या मैं बात कर रहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो तुम्हें याद होगा कि जब मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ाया था तो इस तरह की सेल्स के बारे में बताया था, ये तो क्या हैं, सर्टोली सेल्स हैं। और याद रखना इनके आसपास मैंने बताया था कुछ सेल्स इस तरह से इनके आसपास होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, लीडिंग सेल्स नाम दिया था। समझ गए, तो FSH सीधा कहां पहुंचता है, देखो FSH सीधा पहुंचता है किन के पास, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के माध्यम से वो सीधा कहां पहुंचेगा, सर्टोली सेल्स में, ठीक है ना, कहां पहुंचेगा, सर्टोली सेल्स या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पहुंचेगा, इसका मतलब। और LH हार्मोन है ये सीधा लीडिंग सेल्स पे आया, तुम्हें पता है FSH है वो कहां से, सेमनीफेरस, और कहां, सर्टोली सेल्स, और LH हार्मोन है वो किसमें आया, लीडिंग सेल्स, इस पर अपना प्रभाव प्रकट करेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स को प्रभावित करता है या सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, इसके एक्टिवेशन के साथ ही तुम्हें पता है लीडिंग सेल्स के द्वारा, मैंने पहले ही बताया था हाइपोथैलेमस ने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया लीडिंग सेल्स को, और लीडिंग सेल्स एक्टिवेट हुई, और लीडिंग सेल्स एक्टिवेट होती इनके द्वारा मुख्य
मेल सेक्सुअल हार्मोन या मुख्य नर लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है। और ध्यान रखना, मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन स्रावित होते ही तुम्हें पता ही है क्या होगा सब, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ऑर्गन्स को क्या करेगा, प्रभावित करता है। इसका मतलब यानी इसके जो सेक्सुअल ट्रैक्ट है, सेक्सुअल ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनमें मैच्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है साहब, के शुक्राणु निर्माण की क्रिया में भी योगदान देता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इधर ये बात हो गई, अब आ जाओ कि FSH क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के थ्रू कहाँ पहुंची, सर्टोली सेल्स। तुम्हें पता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ही स्पर्मेटोगोनियल सेल भी होती हैं, कौन सी, स्पर्मेटोगोनियल सेल। इसका मतलब ये FSH स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को भी प्रभावित करेगा और इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोगोनियल। और स्पर्मेटोगोनियल सेल में जब विकास प्रारंभ होगा तो इसका मतलब क्या होगा साहब, स्ट्यूमुलेशन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु जनन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। याद रखना शुक्राणु जनन में टेस्टोस्टेरोन की भी भूमिका होती है। रीजन सब नॉर्मल सी बात है कि लैंगिक जो अंग होते हैं उनकी मैच्यूरेशन में इसका पूरा योगदान होता है, और लैंगिक अंग जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तभी तो शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का पूरा, और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कुछ मात्रा कहां, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्रावित होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, हमने पढ़ा था कि नर में टेस्टिस का निर्माण, नर के अंदर टेस्टिस कहाँ बनते हैं भाई, उदर गुहा में, ठीक है, और उदर गुहा से इनको किस में लेके आना है, वृषण कोश में। तो तुम्हें पता है कि टेस्टिस को उदर गुहा से वृषण कोश में उतारने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, टेस्टो। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें पता है ये विभिन्न सेल्स तो बनी जाती हैं, तो इस टेस्टोस्टेरोन की बहुत कम मात्रा स्रावित होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और अत्यंत न्यून मात्रा काम क्या करेगी साहब, ये उदर गुहा से वृषण को किस में पहुंचाने का काम करेगी, वृषण कोश में, ठीक है। मैंने बताया क्रिप्टियोकिज्म, कई बार टेस्टोस्टेरोन नहीं स्रावित हो पाता तो ये वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आ पाते, जिसको क्रिप्टोकिज्म अवस्था की थी, वृषण गोपनीयता है ना। चलो इधर आओ, और टेस्टोस्टेरोन के बाकी और भी अदर काम देखो, शुक्राणु निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका, ये द्वितीय गौर लैंगिक लक्षण, तुम्हें पता है कि जब नर मैच्योर होता है तो उसमें दाढ़ी मूंछ का आना है, आवाज भारी होना है, उसके लैंगिक अंगों का परिपक्व होना है, सब में लैंगिक परिपक्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एबीपी का श्रावण है उसमें भी इसकी भूमिका होती है सब, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें भी इसकी भूमिका होती है सब। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन तो मेन हार्मोन है ही है। इधर आ जाओ, FSH ने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोगोनियल को प्रभावित किया, ये स्टिमुलेट हुई और इनके थ्रू क्या हो गया साहब, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ हुई। दूसरी बात, इधर FSH सर्टोली सेल को प्रभावित करता है, सर्टोली सेल्स को मैंने बात की थी सर कि सर्टोली सेल्स मैच्योर होती है तो इसके द्वारा भी दो, एक तो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या होती है साहब, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इस टेस्टोस्टेरोन देखो, इस लीडिंग सेल्स द्वारा ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित हुआ, अब इस टेस्टोस्टेरोन को हमें वहां पहुंचाना है जहां शुक्राणु निर्माण हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता शुक्राणुओं के निर्माण में है। तो इस टेस्टोस्टेरोन को कौन, एबीपी इसके साथ क्रिया करेगी और इसकी कंसंट्रेशन कहां बढ़ाएगी साहब, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर बढ़ाती है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो तुम्हें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया स्टिमुलेट होती है। समझ गए, ये हो गया। अब ये तो बात हो गई एबीपी की, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया स्टिमुलेट एफएसएच की वजह से। बात आती है सब इनहिबिन क्या करता है, तो मैंने बेटा जब सर्टोली सेल्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, फिर बताता हूँ कि इनहिबिन की
जो मैन क्रिया होती है ये किसको कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखना, यानी ये क्या करता है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कंट्रोल करता है। कैसे, क्या इनिबिन है इस स्पर्मेटोजेनेसिस को एक नियत मात्रा तक तो चलने देता है, लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे शरीर में कोई भी क्रिया अनियंत्रित तरीके से नहीं हो सकती, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में अनेक क्या होते हैं सब, कुछ ऑर्गन्स, कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं, कुछ रसायन स्रावित होते हैं। तो ये इनिबिन क्या हुआ कि बाय चांस अचानक स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस, एक्सेस का मतलब जानते हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, अत्यधिक हो गया, जैसे ही शुक्राणु निर्माण की क्रिया बहुत ज़्यादा या अनियंत्रित तरीके से होती है, ये इनिबिन क्या करता है साहब, अत्यंत सक्रिय हो जाता है, और ये सक्रिय होकर सीधा यहाँ से चलता है, और ये चलता चलता सीधा प्रिंसिपल के पास पहुँचता है, और प्रिंसिपल को बोलता है कि साहब शुक्राणु निर्माण बहुत अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, और अगर इसी तरह से अनियंत्रित तरीके से होता रहा तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट भी क्या होता है सब, हानिकारक होगी, उसके कुछ भी हो सकता है, गुच्छे बन सकते हैं, बहुत ज्यादा उसके अधिक मात्रा होगी तो एक संख्या निश्चित मात्रा से अधिक होगी तो पोषण कम मिलेगा, पोषण कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली शुक्राणु क्या होंगे, कमजोर टाइप के होंगे, एक लेवल से बनेंगे, उनको पर्याप्त पोषण मिलेगा तो वो स्ट्रांग रहेंगे। समझ गए आप, सुनो, ये प्रिंसिपल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, शुक्राणु बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी लो, ये क्या करेगा साहब, इस गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन को रोक लेगा, जैसे ही रोकेगा इसका मतलब इसका संदेश पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचना बंद हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करेगी, इस डीटी गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन की मात्रा को कम कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिबिन हार्मोन एक नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक फीडबैक पहुंचाता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस को जब ऋणात्मक या नेगेटिव फीडबैक पहुंचता है तो ये अपनी क्रिया को संदमित कर लेता है, रोक लेता है। इसका मतलब इस हार्मोन का श्रावण इसने बंद किया या कम कर लिया या रोक लिया, कम किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी आदेश पहुंचा कि साहब ये काम कम कर दो या रोक दो, तो ये भी अपने क्या करेगा कि इसके निर्माण यानी गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन के स्राव को कम कर लेगा, कम कर लेगा तो LH और FSH का स्राव भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और इनका कम स्राव होता है तो ऐसी सिचुएशन में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यही काम यहाँ भी होता है कि मान लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल, देखो एक लेवल है सब यहाँ तक चला ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा फिर भी, और जैसे ही ये हो गया इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, लेवल बढ़ गया, इसका जैसे ही लेवल बढ़ता है सीधा एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास कि प्रिंसिपल सर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, अर्थात आपको ये क्रिया बंद करनी पड़ेगी या रोकनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे ही फीडबैक पहुंचा हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग को कम कर देता है, कम करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो LH का स्राव भी कम कर देगी, LH का स्राव कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी वापस कहाँ पहुँच जाएगी, यहीं पर पहुँच जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना कि ये हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन GTH जैसे LH, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन के कार्य मैंने बता दिए, इधर अपन बात करें ABP इनिबिन का कार्य बताई दिया, और FSH में स्पर्मेटोगोनियल से स्पर्मेटोजेनेसिस उद्दीपित होती है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।